हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग योर स्टडीज एज वेल एज अदर थिंग्स ऑल्सो ऑन योर होम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर फाइव कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वेरी इजी टॉपिक दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर जो हम पिछला जो टॉपिक किया था हमने पोलर एंड आर्ग्यूमेंट का जो टॉपिक हुआ था, अगर किसी भी बच्चे को उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो वो बच्चा स्कूल का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से प्रॉब्लम ले सकता है, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ हो तो, या फिर यूट्यूब पे जो भी कमेंट सेक्शन में आप जाके हमें बता सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने क्लास टेंथ में डिस्कस किया था। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी ax² + bx + c = 0, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? द इक्वेशन हुज डिग्री इज 2, मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए हमने जब आप याद करेंगे तो हमने तीन चीज़ें थी, b² - 4ac > 0, if b² - 4ac < 0, एंड इफ b² - 4ac < 0, जिसको हम बोलते थे डी। दिस वॉज डी एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में विविध करके नाम से लिखा जाता था टेंथ क्लास के अंदर। अब प्लस वन में आपका डिस्क्रिमिनेंट के रिगार्डिंग हमारी डिस्कशन थी। जब ये दो केसेज थे तो इनको हमने टेंथ क्लास में सॉल्व किया था, और जब कभी ऐसा होता था b² - 4ac, तो हम आंसर लिखते थे नो रियल रूट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा कि हमने क्या डिस्कशन किया था टेंथ क्लास के अंदर। जब b² - 4ac < 0 था तो हमने नो रियल रूट्स लिखा था और क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं किया था। अब हम क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से लेस होगी तब हम उसका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। एक चीज़ और, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था हमारा वो और आपको रिमाइंड करवा देते हैं हम, वो भी यही यूज होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ हमने टेंथ क्लास में शायद हो सकता है डी भी लिखा हो, -b + √d/2a। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डी आपका क्या है, b² - 4ac को ही डी कहते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डी किसके लिए खड़ा होता है आपका? डिस्क्रिमिनेंट के लिए खड़ा होता है। तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं सीधे, कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस लिखते हैं जिनके रूट्स क्या होंगे, रियल ना होकर के आपके कॉम्प्लेक्स नंबर उनके आंसर आएंगे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सपोज आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं, x² + 3 = 0। क्वेश्चन क्या है आपका? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम आसानी से सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे भी, x² + 3 = 0। अब अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, ax² + bx + c = 0, व्हाट इज ax² के साथ जो है दैट इज 1। व्हाट इज b इसमें नहीं है, इट मींस b 0, और c इसमें आपका क्या है, 3 है। c क्या है आपका? 3 है इसके अंदर। जब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, इसकी फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तब आएगा। अब देखिए क्या होगा, फॉर्मूला हमने लिखा था
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई टू ए, एंड वट इज डी, डी इज बी स्केयर माइनस फोर ए सी। तो अब हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले डी निकाल लेंगे, दैट इज बी स्केयर माइनस फोर ए सी। तो बी स्केयर यानी कि जीरो का स्केयर माइनस फोर ए, ए यानी कि वन और सी यानी कि थ्री। तो आपका डी जीरो स्केयर जीरो, माइनस क्या आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा, डी क्या आ जाएगा आपका माइनस ट्वेल्व। अब ध्यान से जब आप रिमाइंड करते हैं, तो जब टेंथ क्लास में ऐसा होता था जब डी की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो हम क्वेश्चन में क्या लिखते थे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, और क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप कर देते थे। बट अब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, आंसर देखिए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एक्स लिखा गया है बिकॉज वेरिएबल क्या है, यहाँ पे एक्स है। अगर यहाँ पे वेरिएबल वाई होता देन वी विल राइट हेयर वाई। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू यहाँ क्या है जीरो, प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू क्या है माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू, ए की वैल्यू क्या है वन। एक्स इज इक्वल टू माइनस जीरो मीन्स नथिंग, प्लस माइनस माइनस रूट ट्वेल्व डिवाइड बाय टू। अब जो माइनस रूट ट्वेल्व है इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं फोर इंटू थ्री इंटू माइनस वन, लिख सकते हैं बच्चों फोर इंटू थ्री इंटू माइनस वन। व्हाट इज द रूट ऑफ फोर, फोर का रूट होता है टू, ये रूट थ्री, माइनस वन रूट, यही इस चैप्टर का मूल मंत्र था, एक तरह से बेस था इसी का कि व्हाट इज माइनस वन रूट, दैट इज आयोटा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, आयोटा, मीन्स माइनस ट्वेल्व को क्या लिखा जाएगा टू रूट थ्री आयोटा। तो प्लस माइनस टू रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू, टू से टू कैंसिल, प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा। प्लस माइनस मीन्स वन रूट इज प्लस रूट थ्री आयोटा एंड सेकेंड वन इज माइनस रूट थ्री आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत आसान सा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। किसके अंदर कई बार ये कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चे सोचते हैं कि जब डी नेगेटिव हो गया तो देन हाउ टू सॉल्व, देन वी विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आंसर मीन्स रूट, रूट विल बी ए फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट जो है वो क्या होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसका एक या दो क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का। एक और क्वेश्चन है रूट थ्री एक्स स्केयर, इसी में है रूट थ्री एक्स स्केयर माइनस रूट टू एक्स प्लस थ्री रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ मैं फॉर्मूला साथ में लिखा रखता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय टू ए, एंड व्हाट इज डी, डी इज बी स्केयर माइनस फोर ए सी, डी इज बी स्केयर माइनस फोर ए सी। स्टैंडर्ड जो फॉर्म थी हमारी ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, देखिए व्हाट इज ए, दैट इज रूट थ्री, व्हाट इज बी, दैट इज माइनस रूट टू, व्हाट इज सी, दैट इज थ्री रूट थ्री। फर्स्टली फाइंड डी, व्हाट इज डी, बी स्केयर माइनस टू रूट स्केयर माइनस फोर ए एंड सी, बी स्केयर माइनस फोर ए सी मीन्स बी स्केयर माइनस रूट टू स्केयर माइनस फोर ए सी। देन कैलकुलेट डी, दिस इज माइनस प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री, दैट इज थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स, डी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी माइनस थर्टी फोर। जब डी की वैल्यू माइनस थर्टी फोर आएगी तो आपका आंसर अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी, व्हाट इज बी, नेगेटिव रूट टू, नेगेटिव रूट टू प्लस माइनस माइनस थर्टी फोर डिवाइडेड बाय टू, एंड व्हाट इज ए, दैट इज रूट थ्री। ओके, नाउ माइनस माइनस प्लस, दैट इज रूट टू
प्लस माइनस। अब 34 है, 34 को फैक्टर वाइज लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, देखिए 34 के जो फैक्टर हो सकते हैं वो 2 × 17 हो सकते हैं, अदरवाइज और कोई नहीं हो सकता 2 × 17। अब 2 का रूट भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते और 17 का भी नहीं कर सकते, तो हम इसको एज इट इज यहीं पे ड्रॉप कर सकते हैं। सीधा हम क्या लिखेंगे, माइनस 34 है तो 34 × −1, रूट 34 माइनस 1 का क्या हो जाएगा आयोटा, रूट 34 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 रूट, दिस विल बी योर आंसर सॉल्यूशन। एक और चीज़ जो आप इसमें आगे कर सकते हैं, आप इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं 2√3 का, आप √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नीचे का जो डिनोमिनेटर का जो पोर्शन है वो एक रैशनल नंबर में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आई होगी कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हेन डी इज नेगेटिव। तो आपको ये 2-3 क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करने हैं इस वीडियो को देख के, और फिर जो एक्सरसाइज है आपके 5.3 वो कंप्लीट आपको सॉल्व करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हैं आपके NCERT की बुक्स में, ये हम क्लासरूम में ही करेंगे। जो मिसलेनियस एक्सरसाइजेज हैं वो हम क्लासरूम में ही डिस्कस करेंगे, या जो अदर बुक्स हैं मीन्स जो आपकी एलिमेंट की बुक है या कोई और किसी भी राइटर की बुक है, अभी हम जो ऑनलाइन क्लासेज में कर रहे हैं दैट इज़ NCERT, जो बेस है आपका उसको ही हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मैं सभी बच्चों से सिर्फ यही कहूँगा कि आप पहले बेस क्लियर कीजिए, बिकॉज प्लस वन का मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप उस लेवल पे जाने की कोशिश मत कीजिए कि आप एलिमेंट की बुक पढ़ रहे हैं या काफ़ी सारी बुक्स एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहले आप बेस क्लियर करो, उसके बाद अपने आप सभी बुक्स सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, तो थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।